हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बॉस इन्फो जोन में। जी हाँ दोस्तों, आज हम आप सभी को बताने वाले हैं कि जो भी दिव्यांग साथियों का जो दिव्यांगता परसेंटेज है वो अगर 40% है तो उनको भारत सरकार की तरफ से कौन कौन सी योजना का लाभ मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, तो आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। वीडियो में बने रहिएगा, ये आपके लिए जानने के लिए बहुत ज़रूरी है। तभी अगर आप इस वीडियो को देख पाएंगे पूरी की पूरी, तभी आप समझेंगे कि आपको सरकार की तरफ से कौन कौन सी योजना दी जाती है और आपको अभी कौन कौन सा योजना का लाभ मिल पा रहा है। तो अगर आप समझते हैं तभी आगे अपना हक के लिए लड़ पाएंगे या फिर उस योजना का लाभ ले पाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम आपको बता दें, भारत सरकार की तरफ से दिव्यांग व्यक्ति उसको कहा जाता है जो बेंच मार्क डिसेबिलिटी के अंदर आता है। बेंच मार्क डिसेबिलिटी क्या है हमने पिछले वीडियो में भी बताया, लेकिन मैं अभी बता देता हूँ शॉर्टकट में। जो भी व्यक्तियों का परसेंटेज दिव्यांगता परसेंटेज कम से कम 40% है, उनको भारत सरकार के अंतर्गत उनको जो भी योजनाएँ हैं उनका लाभ दिया जाता है उस दिव्यांग व्यक्ति को। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका दिव्यांगता 40% है तो आप भारत सरकार का लाभ लेने के लिए तैयार हैं। अगर 40% नहीं है तो आपको भारत सरकार का एक भी योजना का लाभ नहीं मिल सकता है। तो चलिए दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि भारत सरकार कौन कौन सा योजना दिव्यांगों के लिए बनाया हुआ है। सबसे पहले हम आपको बता दें कि दिव्यांगजन के लिए जो पेंशन है वो हर राज्यों में दिया जाता है। दिव्यांग पेंशन, दिव्यांग आवास भी मिलता है, ठीक है, आवास घर के लिए भी दिव्यांगजन के घर बनाने के लिए पैसे मिलते हैं। अगर वो शादीशुदा रहते हैं तो उनके और उनके फैमिली के लिए उनकी जल्द से जल्द उनके पंचायत की तरफ से या फिर उनके जो क्या बोलते हैं नगर परिषद की तरफ से उनकी जो आवास का योजना का लाभ है वो दिया जाता है। और जो दूसरा है बस है, अगर आप अपने स्टेट में रहते हैं और बस में आवागमन करते हैं या फिर नौकरी से रिलेटेड या फिर पढ़ाई से रिलेटेड, तो आपको प्रत्येक महीने अपना जो बस फ्री यात्रा होता है आप बनवा सकते हैं और उसके माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट लाभ ले सकते हैं। उसके अलावा आप ट्रेन में सफ़र कर सकते हैं, ट्रेन में आपको 75% की लाभ दी जाती है। लेकिन इसमें भी अलग अलग कैटेगरी है। ट्रेन में सबसे ज़्यादा लाभ अगर किसी दिव्यांग व्यक्ति को मिलता है तो वो है पैर से अपाहिज, जो पैर से फिजिकली हैंडीकैप होते हैं उनको सबसे ज़्यादा लाभ दी जाती है। या फिर जो लोग आँख से दिव्यांग होते हैं अगर वो 100% है तो उनको ट्रेन में लाभ दिया जाता है, अगर वो 100% नहीं है तो उनको ट्रेन में भारत सरकार की तरफ से कोई भी लाभ नहीं दिया जाता है। ऐसा सवाल हमारे पास हमेशा आता है कि सर हमारा जो दिव्यांगता है वो 90% है, 85% है, बट हमें ट्रेन में यात्रा करते वक्त हमें टिकट में कोई भी लाभ नहीं मिलता है। तो आज मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जो भी दिव्यांग व्यक्तियों का जो आँख से कान से अगर पैरालाइज हैं वो अगर 100% हैं उन्हीं को भारत सरकार रेलवे यात्रा में छूट देती है। अदरवाइज़ उनको अगर 100% दिव्यांगता नहीं है तो उनको नहीं मिलता है भारत सरकार की इस रेल यात्रा का योजना का लाभ। अगर जो व्यक्ति पैर से अपाहिज हैं उनको और उनके साथ एक और व्यक्ति को 75% की लाभ दी जाती है दोनों टिकटों पे, और वो आवागमन इंडिया में कहीं भी कर सकते हैं। इसके अलावा भारत सरकार आपको हवाई जहाज़ में भी छूट देता है। एयर इंडिया में आपको 50% का जो बेसिक फेयर टिकट का जो दाम होता है ओरिजिनल रेट, उसमें आपको 50% का छूट देता है। जिस टिकट को आपको पाने के लिए जो टिकट काउंटर है एयरपोर्ट पे, आपको कम से कम 10 दिन पहले, एक हफ्ता पहले जाकर अपना टिकट बुक करवाना पड़ेगा और अपना सर्टिफिकेट लेकर जाना पड़ेगा। इसके अलावा भारत सरकार दिव्यांगजन को राशन का अलग वितरण करता है, राशन का भी लाभ देता है। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि अगर आप एक दिव्यांग व्यक्ति हैं तो आपका घर संसार चलाने हेतु सरकार की तरफ से लाभ के तौर पर आपको राशन का भी मुहैया कराया जाता है, ताकि आप सही से ज़िंदगी का जीवन यापन कर सकें। उसके अलावा अगर आप दिव्यांग छात्र हैं तो आपको छात्रवृत्ति भी दी जाती है, स्कॉलरशिप भी दी जाती है कि आप सही से पढ़ाई कर सकें। अगर आप सक्षम नहीं हैं ऊँचे लेवल पर पढ़ाई करने के लिए तो आपको एजुकेशन लोन भी दिया जाता है, आप एजुकेशन लोन ले सकते हैं।
जैसे कि आप कोई टेक्निकल डिग्री करना चाहते हैं, बैचलर डिग्री करना चाहते हैं, तो उसके लिए भारत सरकार आपको लोन भी देता है, आपको छात्रवृत्ति भी देता है। जैसे कि हमने बीटेक किया तो हमें भारत सरकार ने NHFDC की तरफ से कम से कम 2.5 लाख रुपये हमको छात्रवृत्ति दिया हुआ था, जिससे मेरा कोर्स कंप्लीट करने में बहुत सहायता हुआ। उसके अलावा आपको अनेक राज्यों में अलग अलग प्रकार का अलग अलग बहुत सारी सुविधा मिलती है। उसके अलावा केंद्र सरकार का अलग होता है और राज्य सरकार की अलग अलग सुविधाएं होती हैं। आपको हम बता दें दोस्तों कि भारत सरकार दिव्यांगजन के इलाज के लिए भी बहुत सारा प्रावधान रखा है, या फिर उन लोगों को चलने फिरने में जिनको परेशानियां हैं उनके लिए साइकिल, मोटरसाइकिल या फिर बैटरी वाला साइकिल का भी सुविधा रखा है। अगर आप बैटरी वाला साइकिल लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप हमारे वीडियो को देख सकते हैं। उसके अलावा अगर आप स्कूटी चाहते हैं तो उसके लिए भी हमारे चैनल पर वीडियो अवेलेबल है, वो भी देख सकते हैं। भारत सरकार की सब योजना है जो लाभ दी जाती है। आप मोटर के ज़रिए आप अपने साइकिल को चला सकते हैं बिना किसी ताकत को लगाएं, और आप मोटरसाइकिल जो स्कूटी होता है उसके लिए भी आप ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। भारत सरकार की तरफ से इतना सारा योजना का लाभ दिया जाता है। उसके अलावा आपको बिजनेस पर्पज़ के लिए भी भारत सरकार छूट देती है, बिजनेस के लिए भी आप लोन ले सकते हैं। उसके अलावा इनकम टैक्स, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं और इनकम टैक्स फाइल करते हैं तो इनकम टैक्स में भी आपको भारत सरकार की तरफ से छूट मिलती है। उसके अलावा आपके रिश्तेदारों को भी भारत सरकार की तरफ से इनकम टैक्स फाइल करते वक्त उनको छूट दी जाती है। आपको हम बता दें कि भारत सरकार की तरफ से बहुत सारी योजना है जिसका दिव्यांगजन से लेना देना है, बट उसकी जानकारी हम लोगों को ना होने की वजह से हम लोग उस लेवल तक नहीं पहुंच पाते हैं। आपको हम बता दें कि जो भी दिव्यांग व्यक्ति शादी करते हैं उनको सरकार के तरफ से, राज्य सरकार के तरफ से अलग अलग राज्यों में अलग अलग जो रकम है दी जाती है प्रोत्साहन राशि के तौर पर उन लोगों को जीवन यापन में कुछ सुधार करने के लिए। ये सब भारत सरकार की रणनीति या योजना है जो आप आसानी से उसका लाभ ले सकते हैं। और बहुत चीज़ों में ऐसा है कि उसके लिए आपको भाग दौड़ करना पड़ेगा, उसमें थोड़ी मेहनत मुशक्कत करना पड़ेगा। हम आप लोगों को बता दें कि आप लोग जो भी समस्या से जूझ रहे हैं, हमने जितना भी सारा योजना बताया, अगर इस योजना में से आप कौन कौन सा योजना का लाभ नहीं ले पाते हैं आप लोग हमें कमेंट करके बता सकते हैं दोस्तों। अगर आप बताएंगे तो उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे, या फिर आपका जवाब हम देने की कोशिश करेंगे सही सही तरीके से। आपको हमारी ये वीडियो आप सभी को हमारा ये जानकारी कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। उम्मीद करता हूँ कि आप सब समझ गए होंगे कि आपको भारत सरकार की तरफ से किस किस योजना का लाभ दिया जाता है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक लिए बाय एंड टेक केयर दोस्तों।